अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाली बीफ बिरयानी। तो जिसके लिए सबसे पहले हमने जो है लिया है दही। दही हमने तकरीबन लिया है 1 पाव, जिसमें मैंने शान बिरयानी मसाला 1 पैकेट ऐड किया है। और इसको ऐड करने के बाद मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। ये है हमारा मैरिनेशन प्रोसेस बीफ का। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। हमने लिया है 1 kg बीफ, और इसमें जो है 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इस बीफ को हम योगर्ट मिक्सचर में ऐड करेंगे, और अच्छे से इसको मिक्स करके एटलीस्ट इसको हम जो है अबाउट 1 आवर हम इसको रख देंगे रेस्ट के लिए, या इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तक मैरिनेट हो रहा है तो हम चलते हैं अपने मसालों की तरफ। तो मसालों में मैंने यहाँ पे लिए हैं ज़ीरा, सौंफ, धनिया पाउडर, लाल लाल मिर्च का पाउडर और सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने मर्ज़ी से ले सकते हैं। बाकी ये तमाम चीज़ें मैंने कम से, ये जो हमने ली थी 1 1 टेबल स्पून ली थी। यहाँ मैंने 1 kg राइस ले लिए हैं, जो कि बासमती राइस है, और मैंने इसको 15 मिनट्स के लिए सोक करके रख दिया था। फिर मैंने यहाँ पर लिए है प्याज 1 किलो ली है, ग्रीन चिलीज़, लाल हरी मिर्ची मैंने ली है इसमें 1/2 पाव, लेमन 1 लिया है, टमाटर मैंने 1/2 किलो लिए हैं, आलू भी 1/2 किलो लिए हैं, और हरा धनिया पुदीने की 1 1 गड्डी ले ली है यहाँ। तो ये हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी बिरयानी में इस्तेमाल होने वाले हैं। और यहाँ जो है हरी मिर्चें हम ग्राइंड कर रहे हैं। हरी मिर्चों को ग्राइंड करके एक अलग ही टेस्ट आता है, डिफरेंट टेस्ट होता है। तो ग्राइंड करके अब हरी मिर्चों को ऐड करेंगे मसाले में, तो उसका टेस्ट आपको काफ़ी डिफरेंट मिलेगा। हाँ, हम ऑयल ले रहे हैं। ऑयल यहाँ पे तकरीबन हमें 3 पाव के करीब लेना है, मतलब 750 ग्राम एटलीस्ट हमें यहाँ पे कुकिंग ऑयल लेना है। यहाँ तेल हमारे पास गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमने 2 सिनेमन स्टिक डाली हैं, और एक जो है 2 दालचीनी डाली है मतलब, और एक हमने बड़ी इलायची डाली है। 2 से 3 या इससे ज़्यादा भी आप इसके अंदर लौंग डाल सकते हैं, जितनी आपको समझ लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अलग अलग सबकी पसंद होती है। कुछ लोगों को इसकी खुशबू ज़्यादा नहीं पसंद आती। और 5 से 6 या 6 से 7 जो है आप ब्लैक पेपर ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून फिर हमने इसके अंदर डाला था नमक, क्योंकि नमक डालने से जो है इसमें, ये मतलब जो गरम मसाले हैं, साबुत गरम मसाले, ये काफ़ी क्रिस्पी जो है सोते होते हैं। और बेसिक जो इसका मतलब था, नमक डालने का जो मकसद था हमारा, वो था कि हम प्याज को ब्राउन करना था, और प्याज इससे काफ़ी अच्छी ब्राउन होती है। तो यहाँ पे ये सोते करने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तमाम गरम मसाले जो हैं हो गए थे सोते, तो अब हम जो है प्याज ऐड करें। प्याज को हम जो है गोल्डन ब्राउन करेंगे, अगर मतलब सिर्फ सॉफ्ट करेंगे, ज़्यादा गोल्डन नहीं करनी है इसको। यहाँ मैं टमाटर कट कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह कट करने जाएँ वैसे कट कर लें। प्याज यहाँ सॉफ्ट हो गई थी, फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर को हल्का सिर्फ घुलाना है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा घुलाएंगे टमाटर को इसके अंदर हम। सॉफ्ट हो रहे थे तो मैंने सोचा यार आलू बॉईल करने रख दूँ। तो आलू के अंदर मैंने जो है ऑरेंज फूड कलर ऐड करके आलू बॉईल करने रखे थे। इससे कलर काफ़ी मज़े का आता है आलू में, तो इसलिए मैंने कलर ऐड किया था। और साथ में इसमें 1 स्पून जो है 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक से ये होता है कि आलू जो है टेस्टी हो जाते हैं थोड़े से, वरना फीके लगेंगे। यहाँ हमारा मसाला तैयार हो रहा है, टमाटर गल रहे हैं, और यहाँ बॉईल हो रहे हैं हमारे आलू। यहाँ टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम जो मैरिनेटेड बीफ था वो हम ऐड करेंगे।
बीफ को ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट चलाएंगे बस। थोड़ी देर चलाने के बाद गोश्त को हम इसमें क्रश जो हमारे पास ग्रीन चिलीज है वो ऐड करेंगे और फिर इसको 2 से 3 मिनट फिर चलाएंगे। मसाले को यहाँ 2 से 3 मिनट भूनने के बाद 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीने का हम ऐड करेंगे और साथ ही इसमें वो तमाम मसाले ऐड कर देंगे जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, वो तमाम मसाले ऐड कर देंगे। नमक आप अपने हस्बे मुताबिक हम जब रखेंगे। तक पकाएंगे जब तक गोश्त ना गल जाए। मैं इसको बीच में देखती रही थी गोश्त गला या नहीं गला। यहाँ मैंने जो है चावलों को सोख कर लिया है और यहाँ आलू हमारे पास बॉईल हो गए थे। जब आलू बॉईल हुए थे तो वहाँ पे मैंने जो है गोश्त गल चुका था और ये आलू मैंने साथ में मसाले में ऐड कर दिए थे। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब यहाँ मैं जो है पानी बॉईल करने के लिए रख रही हूँ जो आप लोग के लिए, जिसमें मैंने जो है काले मिर्च 4 से 5 डाली थी, लौंगे 2 से 3, नमक मैंने 3 टेबल स्पून लिया था, ऑयल 1 टेबल स्पून और लेमन जूस तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर लिया था। यहाँ मैंने जो है पानी बॉईल करने रख चुकी हूँ। यहाँ जब पानी में बॉईल आया तो मैंने जो है सोक्ड राइस थे जो मैंने एटलीस्ट 15 मिनट्स जो है भिगो के रखे थे वो ऐड कर रही हूँ। ये चावल मैं बॉईल आने तक पकाऊँगी इसमें और एटलीस्ट इन चावलों को मैं 80% पकाऊँगी। 80% ये चावल बॉयल्ड होंगे। चावल जो है गल चुके थे तकरीबन 80%। यहाँ मैंने पानी ड्रेन कर दिया था और पानी ड्रेन आउट करने के बाद मैंने यहाँ पर लेयरिंग स्टार्ट कर दी थी। तो लेयरिंग करने से पहले मैंने इसमें थोड़ा सा बेस पे ऑयल लगाया था ताकि जो है चावल चूल्हे पे जब रखूँ तो जो है नीचे लग ना जाए। फिर फर्स्ट लेयर मैंने इसकी जो है चावलों की लगाई, फिर उसके बाद मसाला ऐड किया। चुकी थी हमारी फाइनल लेयरिंग। मैंने इसको एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए दम पे रखा था। लास्ट में मैं इसकी वीडियो बनाना भूल गई थी लेकिन मैंने पिक्चर ली थी इसकी, तो अगर आपको पसंद आए इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर जो है मुझे फीडबैक दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।